माइनक्राफ्ट बट मेरा वर्ल्ड होने वाला है एक जार में। डेजर्ट टेंपल, वुडलैंड मेंशन, शिपव्रैक, हर एक चीज अलग अलग जार्स में होने वाली है। तो आइडिया काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बट ये चीज हमारी गेम को हार्ड बनाती है, क्योंकि ये सभी जार्स होने वाले हैं स्काई में। और अगर मैंने छोटी सी भी मिस्टेक करी और जार से इधर उधर गिरा तो सीधा जाऊंगा वॉइड में और मैं मर जाऊंगा। लेट्स गो, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, चलते हैं गेम में। ऑलराइट गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड इन ए जार। तो फिलहाल जिस जार से अपना गेम स्टार्ट हुआ है ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा जार है। बाकी मुझे एक चीज चेक करनी है कि अगर मान लो मैं यहां से निकलना चाहता हूं और जो दूर दूर तक बाकी जार्स हैं यहां पर जाना चाहता हूं, तो क्या मैं इस क्लास को तोड़ सकता हूँ? लेट्स गो। तो हमें जरूरी नहीं है उस कैप को ही ओपन करके जाना है, हम लोग कहीं से भी जा सकते हैं। उधर सामने एक बहुत बड़ा जार है जिसमें पूरा का पूरा विलेज है, उस तरफ में डेजर्ट वाली टर्टल्स वगैरह और बेडरॉक भी है वहां पे। वाओ, ये भी ठीक है। और सामने मुझे वो देखो डेजर्ट टेम्पल नजर आ रहा है और इस तरफ में स्प्रूस है, और अगर उस तरफ देखूं वहां पर शिप, ओ वेट, अपनी फूड का इंतजाम वहां पर होने वाला है। उधर देखो कांव पे वो टोटल चार जार है और चारों जार्स में बहुत सारा खाना है, और इस तरफ में तो बहुत सारा गोल्ड आयरन। ये वाला जार बहुत काम का है, वहां पर जाना जरूरी है। बढ़ाए यार, उससे ज्यादा जरूरी तो अपना ये डेजर्ट टेम्पल है ना। पहले यहाँ पर चलेंगे, फिर मैं बाकी जगह जाने वाला हूँ। बाकी जहां से अपना गेम स्टार्ट हुआ है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्री है, बट प्रॉब्लम की बात नहीं है क्योंकि सिंगल ट्री में बहुत सारा वुड है, तो मैं काफी सारे टूल्स बना सकता हूँ। यहाँ पर अच्छा खासा स्टोन भी होना चाहिए। वेट, यहाँ पर मेरे लिए एक मस्त माइन बनी हुई है जहाँ पर कोल और लेट्स गो चीजें बहुत सारी है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं काम। फिलहाल यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर कुछ बुक्स रखी हुई है। तो गाइस अभी ना पता प्रॉब्लम क्या है, ये जितने भी जार आप दूर दूर तक देख पा रहे हो, मुझे अगर वहां तक पहुंचना है तो प्रॉपर ब्रिजिंग करनी पड़ेगी, ब्रिज बनाना पड़ेगा, और ब्रिज बनाने के लिए मुझे ढेर सारे कॉबल स्टोन माइन करने होंगे। तो ढेर सारे कॉबल स्टोन माइन करने के लिए मैं बनाऊंगा एक सिंपल कॉबल स्टोन फार्म। डन। तो मैंने यहाँ से ढेर सारा वुड तोड़ लिया, फटाफट से इसको यहाँ पर रखकर एक क्राफ्टिंग टेबल बना। मैं क्राफ्टिंग टेबल क्यों बना रहा हूं, ऑलरेडी यहां पर पड़ा हुआ है क्राफ्टिंग टेबल, तो क्यों ना डायरेक्ट स्टिक्स में यहां से लेकर एक पिकैक्स और एक एक्स बना लेता हूं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक सॉर्ड भी बना लेते हैं क्योंकि मुझे नीचे से बहुत सारी स्पाइडर्स की आवाज आ रही है, पक्का वहां पर कोई ना कोई स्पाइडर तो मेरा वेट कर रही है। ठीक है, बाकी केव कहां पर है, केव से चलते हैं ना। केव मुझे फूड चाहिए होगा बहुत सारा, तो फटाफट मुझे पहले तो चलो कोई नहीं, पहले मैं कोल माइन कर लेता हूं, फिर उसके बाद चलेंगे वो जो फूड वाला जार है, मींस जिस जार में ढेर सारी काउ शीप्स वगैरह वहां पर चलते हैं। ओके, तो मैंने यहां से ढेर सारा कोल माइन कर लिया, और मुझे ध्यान रखना कहीं मैं ये वाला ग्लास ना तोड़ दूं, अदरवाइज मैं नीचे ही चले जाऊंगा फिर। ओके, मैं एक पहले टॉर्च बना लेता हूं ताकि थोड़ी बहुत रोशनी हो जाए यहां पर। फिलहाल अभी बाहर से लाइट आ चुकी है तो रोशनी की जरूरत नहीं। तो यहां पर जितना भी कोल था ना मैंने सारा का सारा इकट्ठा कर लिया। अब थोड़े से कॉबल स्टोन भी इकट्ठे कर लेते हैं क्योंकि स्टोन की पिकैक्स, एक्स एंड स्वॉर्ड बनानी है, और मेन चीज फर्नेस भी बनाना है, तो फिर स्टोन ढेर सारा मुझे चाहिए ही होगा। ओह लेट्स गो, यहां पर मुझे आयरन भी मिल चुका है। बाय द वे, आगे से मुझे स्पाइडर का साउंड आ रहा है, तो हो सकता है वहां पर बहुत सारी स्पाइडर्स बैठी हो मुझे मारने के लिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से भी मैंने इनफ स्टोन माइन कर लिया। फटाफट से भाग के चलते हैं ऊपर और सारे टूल्स बना के लाता हूं, फिर चलूंगा स्पाइडर से लड़ने के लिए। लो भाई, ले आओ ले आओ ले आओ, पहले तो स्टिक्स बना लेता हूं, और इन स्टिक्स को यहां पर रखकर मुझे बनाना है स्टोन का पिकैक्स, स्टोन का एक्स, यानी एक स्टोन की नहीं नहीं स्टोन की नहीं, मैं सीधा आयरन की सॉरी बनाऊंगा, वही सही है। और अभी भाग कर चलते हैं अंदर यहां से ढेर सारा आयरन भी माइन करने के लिए। काश मुझे इतना आयरन मिल जाए कि मैं एक आयरन की चेस्ट प्लेट बना पाऊं यार। ऑल डन गाइस, तो भी मैंने यहां से ढेर सारा आयरन माइन कर लिया है। बाय द वे, मुझे ना अभी नीचे से बहुत सारे लावा का साउंड आ रहा है, और जो स्पाइडर्स का साउंड आ रहा था ना वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी स्पाइडर्स हैं ना ये मेरे काफी ज्यादा आसपास हैं। ओह यहाँ पर ये देखो कौन से वाले ब्लॉक्स आने लगे। ओ तेरी, यहाँ पर एक दो नहीं बहुत सारी स्पाइडर्स बैठे। मारो मारो, अरे ऊपर नहीं आना, मैं लावा लाकर डाल दूंगा अगर किसी ने ऊपर आने की कोशिश करी। भगवान से, अरे इतनी दूर कैसे मार रहे हो तुम, ले ले, ओए मार देंगे तो, मेरे पास वैसी फूड नहीं है, मत मारो मुझे यार, निकल यहाँ से निकल। एक बार ही ना, पहले मैं थोड़ा सा एरिया ओपन करके देख लेता हूँ आखिरकार यहाँ पर क्या हिसाब है। अरे फूड नहीं है, मत मारो मेरे को प्लीज। हाँ गाइस, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर सचमुच में कोई स्पॉनर है। वेट, स्पॉनर मेरे पास होना चाहिए क्योंकि यहीं से मैं ढेर सारी एक्सपी इकट्ठी कर सकता हूँ। फिलहाल अभी ओए पीछे रह, पीछे रह दो मिनट, मेरे को टॉर्च लगानी पड़ेगी वरना मेरा गेम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा यार। तो यहाँ पर मैं ढेर सारी टॉर्च लगा देता हूँ ताकि ये जो स्पाइडर्स है ये स्पॉन होना बंद करे। तेरी ऐसे की तैसे चल निकल यहाँ से, और मेरे को एक टॉर्च बना लेनी चाहिए, आई मीन थोड़ी बहुत और टॉर्च रहेगी तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पर भी लगा देता हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए स्पाइडर स्पॉन नहीं होने वाली। यहाँ पर काफी सारी चेस्ट है, इनके अंदर ढेर सारा सामान है, तो ये सारा ही कलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल गोल्डन एप्पल मिल चुका है और ढेर सारा आयरन मिल चुका है, लेट्स गो। इस वाली चेस्ट के अंदर भी बहुत सारा माल है, तो ये भी सारा का सारा मैं उठा लेता हूँ। ओके, बहुत सारा रैंडम आइटम था, मैंने सारा का सारा पैक कर लिया है। फिलहाल यहाँ पर चेस्ट खाली हो चुके, चेस्ट ले चलता हूँ, मुझे बनानी नहीं पड़ेगी, इसी के अंदर अपना सामान रखवाऊंगा। मुझे ना एक वाटर बकेट बनानी है, तो मैं सोच रहा हूँ वापस ऊपर जाने की क्या जरूरत है, एक क्राफ्टिंग टेबल और बना लेता हूँ यहीं पे, और इस क्राफ्टिंग टेबल को रखवा देता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर मुझे डालना है
तीन आयरन ये बनके अपनी वाटर बकेट, नीचे से लावा होगा, लावा लेकर चलेंगे ऊपर और स्टोन फार्म बनाएंगे, अनलिमिटेड स्टोन मिलेगा फिर हमें। ओह वेट, यहाँ पर मैंने इसे माइन तो करा है, लावा का साउंड मुझे राइट साइड से आ रहा है, मुझे इस तरफ में बहुत आराम आराम से डिग करना है, कहीं लावा मेरे ऊपर ना आ जाए। हे लावा कहाँ पर है भाई तू? दो, अरे मेरे भाई, ये रहा। काश यहाँ पर डायमंड हो, मतलब लावा ऐसा देखने को मिलता है तो डायमंड की याद आती है। एक एक गिलास लावा उठा लेते हैं, गिलास नहीं एक बकेट लावा उठा लेते हैं, एंड यहाँ पर मुझे नहीं लगता डायमंड मिलने वाला है, बट फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेता हूँ। ऊपर यहाँ पर थोड़ा बहुत आयरन है तो पहले मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा फ्लोर बना लेता हूँ ताकि जितना भी आयरन है वो सारा मेरी इन्वेंट्री में आए, तो नीचे नहीं गिरेगा वो लावा में। अब मैं इसे तोड़ लेता हूँ आराम से। बाय द वे गाइस, वो जो बुक थी ना उसमें लिखा हुआ था कि हम लोग अपना कस्टम पोर्टल नहीं बना सकते, मुझे पोर्टल ढूंढना ही होगा। मतलब यार ऑलरेडी इस मैप में कहीं ना कहीं पर पोर्टल बना हुआ है, मेरे को वो ढूंढने के लिए काफी ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा। चलो ठीक है, फिलहाल डायमंड तो नहीं मिला, अभी वापस चलते हैं ऊपर यहाँ से। इन्वेंट्री की बैंड बज गई है भाई, सारा सामान मेरे को ऊपर चल के सॉर्ट करना होगा, चेस्टों में रखूंगा आराम से। फिलहाल जाने से पहले थोड़ा बहुत और कोला ले चलते। अरे भाई भाई भाई, अच्छा मैं अभी खुश हो गया था, मैंने कहा अरे यार बाहर बारिश हो रही है, तो हम लोग आए थे इस वाली साइड से, भाग के चलते हैं ऊपर। मैं पूरा सीढ़ीदार रास्ता बनाता हुआ आ रहा हूँ ताकि मुझे चढ़ने के लिए बार बार ब्लॉक्स ना यूज करने पड़े। डन, तो अभी मैं आ चुका हूँ एकदम ऊपर। चेस्ट लाया था, मैं चेस्ट को रखवा लेता हूँ यहाँ पर। मैं एक चेस्ट रखता हूँ यहाँ पर और दूसरी अटैच करे भी ना यहाँ पर रखता हूँ, सेपरेट रहेगी तो ज्यादा मस्त रहेगा। फिलहाल अभी सबसे पहले ना मुझे एक फर्नेस बनाना है ताकि जितना भी मैं आयरन लाया हूँ ना वो सारा का सारा स्मेल्ट करके काफी सारे आयरन और बना लूं। आई मीन आयरन इंगेट्स बना लूं। तो यहाँ पर ग्रास हटा के इसे रखते हैं और उसके अंदर डाल देता हूँ आयरन और रॉ आयरन, और डाल देते हैं ढेर सारा कोल ताकि वो हो जाए। और मेरे पास यार फूड नहीं है और मेरे को अपनी हेल्थ फुल रखनी है। खाओ खाओ खाओ, थोड़ा बहुत रोटन फ्लेश से हंगर आएगा, बट यहाँ पर और क्या ऐसी चीज हो सकती है जो मैं खा सकता? वेट, यहाँ पर सेलमन्स है, लेट्स गो, मैंने देखी थी इसे। यार सेलमन्स अपनी क्वांटिटी बढ़ाती है या फिर नहीं, मैंने इनको कुछ खिलाना पड़ता है, मैंने कभी पाली नहीं है तो शायद मेरे हिसाब से भी इन्हें मार ही देना चाहिए। मेरे को नहीं पता यार इससे कैसे फूड निकाला जाएगा, मेरे को इतना पता दो सेलमैन है, दो को मार के पका लूंगा तो थोड़ा बहुत फूड हो जाएगा। फालतू का सारा सामान इस वाली चेस्ट में रखवा देता हूँ, ये बाद में अपना सॉर्ट करते रहूंगा। 13 स्ट्रिंग्स है और थोड़ी बहुत स्टिक बना लूंगा तो मेरे पास मस्त एक बो का जुगाड़ हो जाएगा। तो लेट्स गो, यहाँ पर से मैं तीन स्टिक बना लेता हूँ, 1 2 3, और पीछे रख देता हूँ तीन स्ट्रिंग, ये बन गया बो। बट एक सेकेंड, बो चलाने के लिए एरो भी तो चाहिए होता है यार, वो तो यार मैं भूल ही गया था। कोई बात नहीं, जब एरो मिलेगा स्केलेटन्स को मार के तो मैं इसे चला लूंगा। फिलहाल आयरन आ चुका, आयरन बाद में, पहले मेरा खाना पकाओ। 8 आयरन आया, इससे चेस्ट प्लेट तो बन जाएगी एटलीस्ट अपनी। एंड एक मैं कोबलस्टोन फार्म बना लेता हूं, यहां पर ढेर सारा कोबलस्टोन उससे इकट्ठा होते रहेगा एकदम मस्त। ये वाला ब्लॉक मुझे तोड़ना है, यहाँ से पानी आए, अरे यार रुको पहले पानी रोकना होगा। यहाँ पर ना लावा डाल देता हूँ सीधा, अपने आप ही पानी आता रहेगा और ये बनते रहेगा कोबलस्टोन। यहाँ पर बैठ जाता हूँ ढेर सारा कोबल, अरे यार वेट मैंने क्या करा, ये ऑब्सीडियन आ चुका, इसको मैं तोड़ भी नहीं सकता, वेट दोबारा से लावा लेकर आना होगा। लावा 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 लावा, किधर से गया था मैं? मस्त सीढ़ियां बनी हुई है तो मेरे को, अरे भाई भाई वेट, अभी मेरे को डर लगा जैसे मैं वॉइड में जाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर था लावा, इसको तोड़ के मैं यहाँ से लावा कलेक्ट कर लेता हूँ। बाय द वे गाइस, अपने इस वाले वर्ल्ड में ना कोल तो बहुत सारा है तो कोल की कोई कमी नहीं होने वाली। ऑल डन, तो मैं वापस से आ चुका हूँ ऊपर, और एक सेकेंड अब मुझे ढंग से बनाना होगा अपना ये इनफिनाइट स्टोन फार्म। यहाँ पर डाल देता हूँ लावा और इस तरफ हटा के यहाँ पर अपना कोबलस्टोन अब बनता रहेगा। बट वेट, एक काम करता हूँ, ये वाली जगह नहीं खराब करते हैं, इस जगह पर चल के बनाते हैं अपना मस्त कोबलस्टोन फार्म। तो यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और इस तरफ में एक ब्लॉक हटा देता हूँ, तो मस्त मैंने तीन ब्लॉक्स हटा दिए हैं। और अब मुझे यहाँ पर से डाल देना है लावा और इधर से लेकर आ जाता हूँ पानी। मैं काफी घटिया तरीके का कोबलस्टोन फार्म बना रहा हूँ पता नहीं क्यों, बट ठीक है, अब यहाँ से मेरे को कोबलस्टोन मिलता जाएगा। और मेरी पिकेक्स टूट गई है बाय द वे, मतलब बस एक दो कोबलस्टोन और आएगा और फिर ये टू, अरे भाई मैंने आगे का ग्लास ही तोड़ दिया। अरे इसको लगाओ भाई, पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। वैसे अच्छा हुआ कि यार वाली पिकेक्स टूट गई, अब मैं सीधा आयरन की पिकेक्स बनाने वाला हूँ। और फूड का जुगाड़ हो गया था तो मैंने फूड खा के अपनी हेल्थ भी फुल कर ली है, शायद से मुझे नहीं खाना चाहिए था अभी, बट कोई नहीं। यहाँ से पानी इकट्ठा करके ना इन सब जगह पर डाल के इनफिनाइट सोर्स बना के रखते हैं भाई। बस एक बार ही ना ढेर सारे कोबलस्टोन माइन हो जाए और ये थोड़ी बहुत बारिश वगैरह बंद हो जाए तो मैं जाने वाला हूँ अलग अलग जगह पे, जैसे कि विलेज हो गया, डेजर्ट टेम्पल हो गया, हर जगह पर मुझे तगड़ी तगड़ी लूट मिलेगी। फिलहाल लाओ भाई 5 कोबलस्टोन यहाँ से आ चुके, 5 आयरन गेट्स आ चुके हैं। थोड़ा बहुत मेरे को वुड चाहिए स्टिक्स बनाने के लिए, ये रखा वुड, बना लिया स्टिक्स, लेट्स गो। इसी स्टिक से बना लेते हैं 2 पिकेक्स, एक बन गई, एक के लिए एक एक्स्ट्रा आयरन चाहिए मुझे। यहाँ से स्टिक को रखा यहाँ पर, एक पिकेक्स और बन गई, डन। अब ढेर सारे कोबलस्टोन मुझे यहाँ पर बैठ के माइन करने हैं। वेट, तो अब मुझे याद आया कोबलस्टोन फार्म ऐसे बनाना होता है, पानी डालता है इस तरीके से एंड ये आता है कोबलस्टोन। मैं इतनी देर से बस ये वाला ब्लॉक तोड़ना भूल गया था, रे कलेक्ट हो भाई। ठीक है, यहाँ पर बैठ के भी ढेर सारा स्टोन माइन कर लेते हैं, अपने पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे वेट यार, मैं भी गए नूपपंथी कर रहा हूँ, पुराना सा घटिया तरीके का कोबलस्टोन फार्म बना के। इसमें पता क्या हो रहा है, आधा कोबलस्टोन मेरे पास कलेक्ट हो रहा है बट आधा जाके इस लावा में जल भी जा रही है। देखो लावा में ही चल गया। वेट, मैं ना कुछ नए तरीके का बनाता हूँ। अगर मान लो यहाँ से मैं ये वाला ग्लास तोड़ दूँ और फिर एक ये वाला ग्लास तोड़ दूँ
और उसके बाद इस वाले ग्लास का नीचे वाला ब्लॉक तोड़ दिया जाए और फिर उसके बाद मैं वाटर ले लूं यहाँ से और यहाँ पर वाटर डाल दूं तो डायरेक्ट इसमें आके रुक जाएगा। अब यहाँ से मैं लावा लेकर इसमें डाल दूं तो एक कोबलस्टोन बन जाएगा और अब इसमें से कोई भी कोबलस्टोन बर्बाद नहीं जाने वाला है, सारा का सारा मेरे पास कलेक्ट होगा। ये वाला तरीका मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। चलो अब टेस्ट करते हैं इसमें कोबलस्टोन डिस्ट्रॉय हो रहा है या फिर सारा का सारा कलेक्ट हो रहा है। लेट्स गो, दो कलेक्ट हो गए, तीसरा सारे कलेक्ट हो रहे यार ऑलमोस्ट। हो सकता है एक आध जल जाए बट अभी तक एक भी नहीं जला है। नहीं ये वाला जल गया शायद, बट ठीक है यार उससे तो बेटर ही है। चलो फिर ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर एएफके बैठते हैं, मुझे ढेर सारा कोबलस्टोन इकट्ठा करना होगा। वेल तो ढेर सारे कोबलस्टोन इकट्ठे हो चुके हैं और थोड़ी देर में शायद दोबारा से रात होने वाली है या सूरज बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है और चांद वो देखो ऊपर आ रहा है। बट ठीक है, सामने विलेज है तो मैं काम करता हूँ, यहीं से ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोबलस्टोन इकट्ठे हो गए, मैं विलेज से जाके बेड ले लूंगा और तुरंत दिन कर लूंगा। डन, तो अभी फिर फटाफट से मुझे भाग के चलना होगा, स्पीड ब्रिजिंग का टाइम आ चुका है, फिर फटाफट से भागते हुए चलते हैं। वैसे गाइस मैं इतनी ज्यादा बुरी भी स्पीड ब्रिजिंग नहीं करता हूं, मतलब हम तुरंत ही अच्छी खासी स्पीड से जा रहे हैं और 1.18 का ये घटिया ग्लिच मेरे को ब्लॉक ही नहीं दिख रहा है। अरे यार मैं चुपचाप आराम से ही जाने वाला हूं, सच्ची में कुछ नहीं दिख रहा है यार। ओके, तो फाइनली अब मुझे ब्लॉक्स दिखने लगे हैं तो दोबारा से स्पीड ब्रिजिंग कंटिन्यू करते हैं। डन गाइस, तो फाइनली मैं ब्रिजिंग करता हुआ पहुंच चुका हूं इस विलेज तक। जल्दी से चलते हैं इस जार को तोड़ के अंदर और यहां पर प्यारा सा गोलेम है। टेंशन मत कर, मैं तेरे को मार नहीं वाला क्योंकि इस वर्ल्ड में वैसी काफी ज्यादा कमी है चीजों की। और वेट, यहां पर कुछ पिग हैं तो इन पिक को खिलाऊं या मारूं, क्योंकि देखो अगर इन्हें मारा तो फिर बाद के फूड का टेंशन है। बाय द वे एक को तो मार ही सकते हैं ना, चल वे फूड दे। ओके, चलकर देखते हैं अंदर यहां पर और कौन। अरे भाई साहब इतने सारे विलेजर्स क्या कर रहे हो भाई, यहां एक ही बैठेगा इस पूरे। लाओ पहले एक बैठ तो मेरे को दो। ओए भाई विलेजर्स की कमी है, ऐसे मरना मत प्लीज। और क्या क्या है इस विलेज में, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए और एक प्यारा सा शीप है। लाओ भाई फूड दो, मेरे पास फूड की ना भर की कमी है तो मैं यहाँ पर ज्यादा किसी को छोड़ने नहीं वाला हूँ। यहाँ पर भी मस्त बेड लगा हुआ है और अरे भैया भगदड़ मची पड़ी है, यहाँ तो सारे बेचारे एक जार में परेशान हो रहे हैं और कुछ खास ट्रेडिंग कर नहीं रहे हैं लोग। तेरे पास है कुछ 3 एमराल्ड की कायर एक्स, पागल है क्या? इस वाले पे चलते हैं, यहाँ पर ब्रिंग स्टैंड है और दो, ये दोनों बड़े प्यारे हैं, इनका अपना पर्सनल घर है। ये यहाँ के मुझे डॉन लग रहे हैं भाई, कसम से चुपचाप सो रहे हैं घर में। बट जो भी हो असली भगदड़ तो भाई यहाँ मची है, समझ ही नहीं आ रहा कितने लोग हैं। ओके यहाँ पर, ओ वेट ये काफी ज्यादा एक्सप्लोरर नेदर पोर्टल कंपास। ओ भाई साहब मैंने कहा था ना गाइस इसमें हम लोग अपना कस्टम पोर्टल नहीं बना सकते, ये हमें कंपास देगा, वो हमें डायरेक्शन बताएगा फिर हम लोग जाएंगे नेदर तक। और क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग होल्ड कंपास, लेट्स गो। यहाँ पर कुछ शल्कर बॉक्स हैं, यूज दीज एज टेली, ओ ये हमें टेलीपोर्ट करने वाले हैं। लोड स्टोन भी दे रहा है और भी काफी सारी चीजें हैं, क्लॉक कंपास वगैरह। ठीक है मैं तेरे पास आऊंगा एक्सप्लोरर, ये कुछ नया ही चीज है और थैंक यू सो मच फॉर फूड। अभी फिलहाल यहाँ से बाहर निकलते हैं, काम की चीज तो मुझे मिल गई है कि कैसे मुझे नेदर वगैरह जाना है। बाकी यहाँ पर बहुत सारा हे बेल है तो यहाँ से हे बेल इकट्ठे करने के लिए कोई हॉय बनाना होगा। लाओ भाई लाओ, इसी बात पे ढेर सारा वोट दो, मैं एक हॉय बना लेता हूँ ना लगे यहाँ। क्राफ्टिंग टेबल को रखते हैं यहाँ पे और उसके बाद स्टिक्स के लिए मुझे रखना होगा ये रख के मुझे दो कोबलस्टोन ऐसे रखने हैं और ये बन गया हॉय। अब ढेर सारा यहाँ से मेरे फूड का जुगाड़ तो हो जाएगा सारा हे बेल ले जाकर। और वेट यहाँ पर एक स्पॉन्ज भी है, बट इसे स्पॉन्ज का यूज नहीं पता बट फिर भी कलेक्ट कर लेता हूँ। आई मीन मेरे को यूज पता है, पानी सुखाने के काम आती है, बट इसमें एक्स्ट्रा यूज क्या है, मेरे को पानी सुखाना नहीं उल्टा एक्स्ट्रा पानी चाहिए। हे बेल तो मुझे मेरे हिसाब से सारा का सारा लेकर चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ कैरेट है, ये भी ले लेता हूँ, पिक को खिलाने के काम आएंगे। एक्स्ट्रा कैरेट आ चुका है तो यहीं पर वापस से लगा भी देता हूँ, कुछ थोड़े बहुत बच जाएंगे। एक काम करता हूँ, इसी फार्म को मैं अपना फार्म समझ के चलाता हूँ ना, क्यों इनका नुकसान करा रहा हूँ मैं। जो कैरेट उगे हुए थे उनको मैंने ले लिया और जो बाकी है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। डन, तो ये फार्म आज से अपना फार्म है। और कुछ है तुम्हारे पास फार्म के नाम पे? टॉर्च दे दो यार, टॉर्च मेरे बहुत ज्यादा काम किए फिलहाल। ओके, इस वाले घर के अंदर भी मैं गया था। अरे भाई कसम से गलत ही भगदड़ है यहाँ पर। ओ वेट, अपने को पहले से ये वाला टेबल मिल रहा है और ये भी ठीक है। ओ अपनी स्पीड कम हो चुकी है, मेरे को वापस चलना चाहिए। बाय गोलेम, मैं बाद में आऊंगा, फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर वापस। ये क्राफ्टिंग टेबल है, इसमें से ना ये थोड़ा सा वुड रख लेता हूँ और थोड़ा बहुत लेडर्स बना लेते हैं, अपने काम आएगी। इन लेडर्स को चल के लगा देता हूँ यहाँ पर। अब चढ़ते हैं सीधा ऊपर और चलते हैं वापस से अपने घर पे। मुझे कल नहीं मतलब, ओए वेट मैं बेड तो लेकर जा रहा हूँ, मैं सो के ना लगे यहाँ दिन ही कर लेता हूँ। यहाँ नहीं सोऊंगा, पता चला जिंदा हुआ सीधा नीचे ही जा रहा हूँ, अपने घर पे ही चल के सोते भाई सीधा। अगली मॉर्निंग मेरा प्लान ये है कि मैं डायरेक्ट जाऊं डेजर्ट टेम्पल पे, क्योंकि वहां से काफी अच्छा खासा लूट मिल जाएगा। यहाँ पर पहले बेड रख के अपने बेड का कलर कर लेते हैं येलो। सॉरी पहले डाई तो बना लूं। मैं कहूं ये कौन सा ग्लिच हो गया, बेड भी येलो नहीं होगा क्या? ठीक है तो बेड लगाते हैं यहाँ पर और सो जाते हैं आज के लिए। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है, बेड मैं तोड़ लेता हूं और अभी इस बेड को अपने पास ही रखूंगा तो ठीक है, मतलब जब भी जरूरत पड़ेगी। इन्वेंटरी तो सॉर्ट हो गई है बट पता है अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मेरे पास खाने पीने के लिए ज्यादा
जो एनिमल्स है ना इनको यहाँ पर लेकर आना है और यहीं पर ना इन्हें खिला पिला के एक अच्छा खासा फार्म बना दूंगा ताकि मेरे को फूड की कभी कमी ना पड़े, या फिर फार्म बनाने की जरूरत ही क्या है, उनको वहीं रहने देते हैं, वहीं पे ले जाके हे बेल को कन्वर्ट कर लेता हूँ वीट में, क्योंकि काओ वगैरह तो वीट ही खाने वाली हैं। और क्या मैं बस इतना सा हे बेल लाया था? वेट नहीं, हे बेल से निकला ही इतना। ठीक है, तो एक ये फूड कुक हो चुका है, ये वाला रख देता हूँ और अभी के लिए मैं